मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। दुनिया और आखरत में कामयाबी का अब एक ही रास्ता है, इन दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम। इसके अलावा सारे रास्ते अल्लाह ने बंद फरमाए और ऐलान फरमाया, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ। जो इस्लाम को छोड़कर किसी भी रास्ते पर चलेगा वो नाकाम है, वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी का मफहूम क्या है और नाकामी का मफहूम क्या है, वो नहीं जो हम समझते हैं, वो मफहूम अल्लाह अपनी किताब में बताता है मुख्तलिफ अंदाज से। नतीजा एक है, जिससे अल्लाह राज़ी हो गया वो कामयाब, जिससे अल्लाह नाराज़ हो गए वो नाकाम। ये सारी आयात अहदीस का मफहूम, जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, मर्द औरत काला गोरा बादशाह फ़कीर, वो कामयाब है। जिससे अल्लाह नाराज़ हो गए, बादशाह फ़कीर मर्द औरत, वो नाकाम है। अब इसको क़ुरान मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिल नार व उदखिलल जन्नत फ़क़त फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा और जन्नत में गया वो कामयाब हो गया। क्योंकि जन्नत में वो जाएगा जिससे अल्लाह राज़ी, जहन्नम से वो बचेगा जिससे अल्लाह राज़ी। अब नाकाम कौन है? जिससे अल्लाह नाराज़। उसको कुरान कैसे बयान करता है, मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सरू अन्फुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, जिनकी नेकियां घट गईं ये नाकाम हो गए। और नाकामी क्या है? फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, ये हमेशा की जहन्नम में चले गए, हमेशा की आग में चले गए, नाकामी। कुल इन्नल ख़ासिरीन الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين। सबसे बड़ी नाकामी क्या है? क़यामत के दिन की नाकामी, जब लोग नाकाम होंगे। वो नाकामी क्या है? لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, इनके ऊपर भी आग होगी, इनके नीचे भी आग होगी। गम के अंधेरों ने घेर